लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। दीवान जी, आप खा गए ना तुम भी धोखा? क्या मतलब? चक्कर ही चक्कर है, गोलमाल है। ये दीवान जी है और नहीं भी है फिर भी दीवान जी है। नहीं समझे? मैं समझाता हूं नसवारू। हमने सोचा, बहुत अच्छा सोचा सरदार, बहुत अच्छा सोचा है। अरे अभी तो हमने तुझे कुछ बताया ही नहीं और तू कह रहा है कि बहुत अच्छा सोचा। सरदार जब सोचा है तो अच्छा ही सोचा होगा। इसीलिए नसवारू, इसीलिए तो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ। तुझसे एक राय लेनी है। हुक्म करो सरदार। नसवारू, तू तो जानता है हमारी शादी की तारीख नजदीक आ रही है। बधाई हो सरदार, बधाई। वो तो ठीक है, पर एक बात बता नसवारू, हम इन कपड़ों में शादी करते हुए अच्छे लगेंगे? नहीं, नहीं ना। इसीलिए हमने सोचा है कि हम ये भारी भारी कपड़े, ये बंदूक, डकैती, कत्ल सब छोड़ देंगे और हम ये लंबे लंबे जुओं वाले बाल भी कटवा देंगे। तूने पिताजी को देखा है? जी। कितने अच्छे कपड़े पहनते हैं। हम भी शादी के बाद अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, भले आदमी की तरह, क्या बोलते हैं, जेंटलमैन। हाँ, जेंटलमैन की तरह रहेंगे। हम सब छोड़ देंगे नसवारू, सब छोड़ देंगे। पर एक बात की चिंता हमें बहुत खाई जा रही है। किस बात की चिंता सरदार? नसवारू, हम सब कुछ छोड़ सकते हैं, सब कुछ, लेकिन नसवारू, ये जो तेरी नसवार है ना, ये हमसे नहीं छूटेगी। बुरी आदत लगा दी है तूने। तेरी नसवार देखते ही हमारा खून खौलने लगता है, लेकिन बहुत सोच विचार के बाद हमने इसको भी छोड़ने का एक रास्ता ढूंढ ही लिया है। नसवारू, वो कहावत क्या है जिसमें बांसुरी बजती है? ना रहेगा बांस को ना बजेगी बांसुरी। गलत, बिल्कुल गलत। ना रहेगा नसवारू, ना रहेगी नसवार। मुझे माफ कर दो सरदार। हम ठीक कह रहे हैं नसवारू, निकाल डिबिया, आज आखिरी बार तेरे सामने सूंघ ले, चल। नहीं सरदार, नहीं सरदार, मैं मर जाऊंगा सरदार। नसवारू, नसवारू, दुनिया तो आनी जानी है रे, एक दिन तो सबने मरना है, सबने मरना है। सरदार, सरदार, हाँ। मगर आपकी शादी को कुछ दिन बाकी है, तब तक तो सेवा करने का मौका दीजिए सरदार। नहीं नसवारू, नहीं। वो कहावत क्या है जिसमें सब कुछ आज ही होता है? मुझे कुछ नहीं मालूम सरदार, मैं सब कहा होता तो भूल गया, सब कहा। अपनी बारी आई तो सब कुछ भूल गया। अच्छा है, लेकिन मुझे याद है। सुन बे, जो कल करे सो आज कर, जो आज करे सो अब, रख डिबिया यहाँ और खड़ा हो जा वहाँ। नहीं सरदार, नहीं सरदार, आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। नहीं आएगी, नहीं आएगी, ये नसवार नकली है। होने दे, मगर गोली तो असली है। आ गई तो ठीक, वरना कसम बंदूक की। ए मंगलू। जी सरदार। अच्छा सा गड्ढा खोद के दफन कर देना साले को, दिव्या के साथ। बड़ी कहावते सुनाता था मेंढक कहीं का। हा, you
बधाई हो। मैंने कहा शादी। अरे रुको, कैसी मुबारक कैसी बधाई। अरे तुम कौन हो भाई? हम हजूर बनने जमील रंगीन, जनाब अल्ताफ हुसैन जमील रंगीन, मिजाज लखनऊ वाले के घराने से आए सरकार। देख मेरा हमारा पुरखा तक रंगीन है, तू हमसे इतनी ब्लैक एंड व्हाइट बातें क्यों कर रहा है पूछे? अरे लखनऊ से चलकर आ रहे हैं, दोपहर चैन की सांस तो लेने दे। तो सांस लेने के लिए बाहर पूरा मैदान पड़ा है, यहाँ हमारे सर पे क्यों खड़ी है? मैं खड़े नहीं हूँ, खड़ा हूँ। यकीन नहीं आता तो मैं खोल के दिखाओ। मुझे मालूम है तुझे शर्म आ रही है ना बुड्ढे, दुल्हन की तरह शर्मा रही है। कोई बात नहीं, मैं खुद ही खोले देता हूँ। अरे तू, अभी निकालता हूँ तेरी रंगीन मिजाजी। अरे दो संभरूंगा और दो गिनूंगा। मुंशी जी, सरकार बकवास बंद कीजिए और सीधा पुलिस के हवाले कर दीजिए। इसे पुलिस के हवाले मत कीजिए दीवान जी, यहाँ की पुलिस किसी काम की नहीं है। शंकर, तुम्हें तो पुलिस गिरफ्तार करके ले गई थी। घर की पुलिस थी सीमा, जैसे ले गई थी वैसे ही छोड़ दिया। मैं समझी नहीं। समझाने के लिए इस हवेली में दीवान जी जो है। क्यों दीवान जी, इसे समझाइए। हाँ लेकिन बेटा तुम आ कैसे गए? लगता है आपको मेरे आने से खुशी नहीं हुई है। आपको तो खुश होना चाहिए। क्यों नहीं बेटा, हम वाकई खुश है, हम बहुत खुश है। बहुत खुशी हुई तो फिर उठकर गले मिलिए। ये कैसी बातें कर रहे हो तुम? तुम्हें मालूम नहीं दीवान जी खड़े नहीं हो सकते? अरे हाँ, मैं तो भूल ही गया था कि ये खड़े नहीं हो सकते। फिर भी दीवान जी कोशिश कीजिए, शायद खड़े हो सके। बेटा तुम्हें क्या हो गया है? दीवान जी खड़े नहीं हो सकते, हमने कितने इलाज कराए, डॉक्टर वैद्य हकीम सब कोशिश करके हार गए। रानी माँ, अगर आप इजाजत दें तो क्या मैं एक छोटी सी कोशिश करके देखूं? वो क्या है कि इनकी टांगों के लिए मुझे अचानक ही एक दवाई मिल गई। क्या बात करते हो बेटा, मैं सचमुच खड़ा हो सकता हूँ? खड़े क्या दीवान जी, आप तो भागने लगेंगे। पोपट लाल नहीं, तुम्हारा बाप इंस्पेक्टर चंद्रकांत। जिस दिन राजा साहब का खून हुआ उसी दिन मुझे शक हो गया था, ये काम अकेले कैर सिंह का नहीं है, इसके पीछे जरूर कोई बड़ी साजिश है। लेकिन मैं ये कभी नहीं सोच सकता था कि दीवान जी के रूप में ये शैतान अपने बेटे कहर से और आपके इन गद्दारों के साथ मिलकर इतना बड़ा खेल खेलेगा। चंद्रकांत जी आप क्या कह रहे हैं, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये ठीक कह रहे हैं रानी माँ, इस आदमी ने अपने भाई के हम शक्ल होने का फायदा उठाया और हम सबको अंधेरे में रखा। आपके असली दीवान जी तो वो हैं। दीवान जी आपकी ये हालत, ये आदमी कौन है? ये नालायक मेरा छोटा भाई है रानी माँ। इसके सूरत मुझसे जरूर मिलती है लेकिन दिल का एक काला और धोखेबाज आदमी है। सालों से इसकी नजर इस हवेली की दौलत पर थी जिसको हासिल करने के लिए उसने अपने बेटे कैर सिंह के साथ ये पूरा जाल बिछाया है, जिसमें मुंशी और आपकी बहन के बच्चे भी शामिल है रानी माँ। मेरे घर में इतना बड़ा मुझसे धोखा होता रहा और मुझे पता भी नहीं चला। चंद्रकांत जी इन सबको मेरी नजर से दूर कर दीजिए, मैं इनकी सूरत भी नहीं देखना चाहती। ले जाइए इन सबको यहाँ से। ले तो जाऊंगा लेकिन अभी नहीं, इनके साथ साथ मुझे एक और आदमी चाहिए जिसका नाम है कहर सिंह, जो आज तक सीमा के साथ शादी करने के सपने देख रहा है। आज सीमा का जन्मदिन है और आपकी इच्छा थी कि आज ही के दिन सीमा की शादी हो, आप शादी की तैयारी कीजिए, कहर सिंह जरूर आएगा। मैं भी यही चाहता हूँ रानी माँ, क्योंकि इसने मुझसे कहा था कि सीमा की शादी कहर सिंह से करके दिखाएगा मेरी नजरों के सामने, इसलिए उसने मुझे आज तक जिंदा रखा। लेकिन आज उसे पता चलेगा जीत हमेशा सच्चाई की होती है,
सीमा की शादी होगी, आज ही होगी, वो भी शंकर के साथ होगी और तेरी नजरों के सामने होगी। रोशन करने के लिए हुआ हूं और वो तभी होगा जब मैं इन सालों का नामो निशान मिटा दूंगा। बाय लागू सासू मां। क्यों तहखाने से भागकर ब्याह रचाया जा रहा है? लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इस जिंदगी में तेरा ब्याह नहीं हो सकेगा। पूछ क्यों? क्योंकि जब जिंदगी ही नहीं रहेगी तो ब्याह कहां से होगा? क्यों पंडित? एक बात तुम्हारी सुभद्रा बहन ने मुझसे भी कही कि अगर तुम्हारा चोर मामा कहीं पर मिल जाए तो उसको मारना 200, लेकिन गिनना सिर्फ 20। अरे सत्यानाश, सुभद्रा बहन का बेटा तुझे कुछ कहती है, मुझे कुछ कहती है तो हो जाते हैं शुरू। है नहीं, एक मिनट, एक दो Yeah!
सीमा जी है ना? हाँ बेटा, मैं ही वो भाग्यहीन पुजारी हूँ जो तुम्हारी शादी के साथ फेरे पूरे नहीं करवा सका था। इसका मतलब मैंने जो कुछ देखा वो सपना नहीं था? जब तुमने मुझे पहचान लिया तो ये सपना कैसे हो सकता है? ये तो प्रभु की लीला थी। भगवान ने तुम्हें याद दिलाने के लिए तुम्हारे पिछले जन्म के इतिहास को दोहराया है और ये सब सीमा की लगन और सच्चे प्रेम का फल है। जिसने मुझे पानी पिलाया और जो मुझे यहां तक ले आई वो सीमा थी? हाँ बेटा, वही सीमा है। उसने मेरी बहन के घर जन्म लिया और फिर बचपन में एक दिन मुझसे कहने लगी कि बाबा मेरा नाम सीमा रखना, नहीं तो मेरा शंकर मुझे पहचानेगा कैसे। मैं तो उसी दिन समझ गया था कि हमारे आंगन में तुम्हारे जन्म जन्मांतर का प्यार पल रहा है और मुझे विश्वास हो गया कि तुमने भी कहीं ना कहीं दूसरा जन्म ले लिया है। तुम जरूर आओगे, तुम्हें आना ही होगा, तुम दोनों का मिलाप अवश्य होगा। लेकिन मेरी सीमा है कहाँ? जान लिया था, परसों से तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी, इसीलिए जानबूझकर तुम्हें यहां तक लाई। मैंने पिछले जन्म में इसी मंदिर में भगवान से मांगा था कि तुम मुझे हर जन्म में मिलो और मुझे पूरा विश्वास था कि तुम मुझे यही मिलोगे। Mr.
विवाह संपन्न हुआ है।